आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कफ यानी खांसी। तो आज जो हमारा टॉपिक है कफ है यानी खांसी है। तो आज हम लोग कंप्लीटली जानेंगे कि खांसी क्या है यानी कफ है क्या, किन किन वजह से आपको खांसी की प्रॉब्लम होती है, साथ में किसको आप क्रॉनिक कफ बोलेंगे और किसको आप एक्यूट बोलेंगे और किसको आप ड्राई कफ बोलेंगे और किसको आप वेट कफ बोलेंगे, साथ में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे। तो इन सारी बातों पे मैं डॉक्टर रूबी आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगी। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो हमारी अगली वीडियो है वो कैल्शियम सप्लीमेंट पे है यानी होम्योपैथिक कैल्शियम पे है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि खांसी है क्या। तो दोस्तों जब भी हमारे ब्रीदिंग पैसेज में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आती है या माइक्रोब्स आते हैं या डस्ट आती है तो हमारी बॉडी उसको बाहर निकालने के लिए यानी हमारे ईयर पैसेज को ब्रीदिंग पैसेज को क्लियर करने के लिए में खांसी आती है उसको क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों जो ये खांसी होती है नॉर्मली एक रिफ्लेक्स एक्शन है हमारे बॉडी। तो आज हम लोग खांसी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहली जो होगी वो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन और दूसरी जो होगी वो कैरेक्टर ऑफ कफ होगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आप जब तक कंप्लीट वीडियो नहीं जानेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी खांसी के पीछे क्या कॉज है या आपको क्रॉनिक कफ है या एक्यूट कफ है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन आपको कफ को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन हम लोग कफ को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहली जो होगी वो एक्यूट कफ, दूसरी सब एक्यूट कफ और तीसरी जो होगी वो क्रॉनिक कफ होगी। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि एक्यूट कफ आप किसको बोलेंगे। तो अगर आपकी खांसी लेस देन 3 वीक्स से है यानी 3 हफ्ते से कम है तो इसको आप एक्यूट कफ में कंसीडर करेंगे। तो आगे जानते हैं कि किसको हम सब एक्यूट केस बोलेंगे। तो दोस्तों अगर आपकी खांसी 8 वीक तक की है तो उसको हम लोग सब एक्यूट कफ बोलेंगे, यानी 6 वीक की भी हो सकती है, 7 वीक की भी हो सकती है, 8 वीक की भी हो सकती है, तो इसे हम लोग सब एक्यूट कफ बोलेंगे। आगे जानते हैं कि किसको हम लोग क्रॉनिक कफ बोलेंगे, यानी आप अगर खांसी से मोर देन 8 वीक से सफर कर रहे हैं, 8 वीक से ज्यादा अगर आपको खांसी की प्रॉब्लम है तो आप उसको क्रॉनिक कफ में कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों ये थी अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन कफ को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए थे। आगे हम लोग जानते हैं कि कैरेक्टर ऑफ कफ के अनुसार मेनली हम लोग दो टाइप पे फोकस करेंगे, पहली जो होगी हमारी वो ड्राई कफ होगी और दूसरी जो होगी वो वेट कफ होगी। तो दोस्तों नाम से ही आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि ड्राई और वेट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ड्राई कफ के बारे में। तो अगर आपको खांसी के साथ साथ बलगम नहीं आती है यानी म्यूकस नहीं आती है तो आप उसको ड्राई कफ बोलेंगे, और अगर आपको खांसी के साथ जब आप खांसते हैं तो बलगम आती है या म्यूकस आती है तो आप उसको वेट कफ में कंसीडर करेंगे। तो ये हुई कि किसको आप ड्राई बोलेंगे और वेट कफ के। आगे हम लोग जानते हैं कि आपके जो कफ के क्या क्या रीजन है, क्या क्या कारण है जिससे आप कफ से सफर करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गई है या आपको आस्थमा की प्रॉब्लम है या आपको जीईआरडी की प्रॉब्लम है यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या आपको हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है तो इन सारी वजह से आप कफ से सफर कर सकते हैं। तो आपको अगर जीईआरडी की प्रॉब्लम है यानी एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो मेरा सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, आई बटन में लिंक शेयर किया हुआ। या आप कोल्ड से सफर कर रहे हैं तब भी खांसी की प्रॉब्लम होगी, या आप ऐसा कोई मेडिकेशन ले रहे हैं उससे भी आपको खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके लंग में ट्यूमर है या आपको हार्ट डिजीज है।
तो ये सारे मेन कॉज हैं जिससे आप कफ से सफर करते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे और अपने कफ के प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी जो मैं एक्सप्लेन करूंगी, दो मेडिसिन जो होगी आपके ड्राई कफ के लिए होगी और दो मेडिसिन होगी आपके वेट कफ के लिए होगी। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मेडिसिन जो ड्राई कफ के लिए। तो हमारी पहली मेडिसिन जो है ब्रायनिया 30 उन लोगों को लेनी है जिनको ड्राई कफ की प्रॉब्लम है और उनको खांसते खांसते उनके चेस्ट में पेन हो गया। वो जब भी खांसते हैं तो चेस्ट को होल्ड करके खांसते हैं, साथ में उनके माउथ में होंठ में ड्राइनेस हो गई है, उनको बहुत प्यास लगती है। लॉन्ग इंटरवल पे वो लार्ज क्वांटिटी पानी पीते हैं, लंबे समय में ज्यादा क्वांटिटी में पानी पीते हैं। तो अगर और उनकी खांसी की प्रॉब्लम मूवमेंट से बढ़ जाती है, तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप ब्रायनिया 30 दिन में 3 बार ले सकते हैं, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात। हमारी जो दूसरी मेडिसिन है ड्राई कफ के लिए है आर्सेनिक एल्बम 30 उन लोगों को लेनी है जिनको ड्राई कफ की प्रॉब्लम है और उनकी खांसी जो है वो मिड नाइट में बढ़ जाती है। वो सोए रहते हैं, अचानक से मिड नाइट में उनकी खांसी बढ़ जाती है और पेशेंट जो आर्सेनिक एल्बम के होंगे वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस होंगे, कभी बाहर जाएंगे कभी अंदर जाएंगे, उनको कहीं भी रिलैक्स फील नहीं होगा, साथ में एग्जॉस्टेड रहेंगे। तो अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आर्सेनिक 30 दिन में 2 बार ले सकते हैं, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम। आगे हम लोग जानते हैं दो मेडिसिन जो वेट कफ के लिए है। जो पहली मेडिसिन है पल्सेटिला 30 उन लोगों को लेनी है जिनको वेट कफ की प्रॉब्लम है और यानी गीली खांसी की प्रॉब्लम है, साथ में उनको एलोविश और ग्रीनिश बलगम भी निकलती है और उनकी जो खांसी की प्रॉब्लम है जब वो रूम में आते हैं तो बढ़ जाती है और जब वो ओपन एयर में जाते हैं तो उनकी खांसी की जो प्रॉब्लम है वो रिलीफ होती है। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो पल्सेटिला 30 दिन में 2 बार लीजिए, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम। एंड जो हमारी सेकंड मेडिसिन है वेट कफ के लिए है एंटीम टार्ट 30 उन लोगों को लेनी है जिनको गीली खांसी की प्रॉब्लम है और उनके चेस्ट में ऐसा फील होता है कि पूरा बलगम भरा हुआ है और उनको रैटलिंग साउंड आती है, यानी गड़गड़ की आवाज आती है लेकिन उनके कफ निकलते नहीं है। तो आप ऐसे प्रॉब्लम है तो एंटीम टार्ट 30 दिन में 2 बार लीजिए, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें। थैंक यू।